हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कौन से बीमारी में कौन से दवा को दिया जाता है। 50 से भी ज़्यादा बीमारियों के बारे में बताएंगे आप लोगों को, और उन सभी बीमारियों में कौन से दवाओं को दिया जाता है। अब आप लोग अगर मेडिकल के छात्र हैं तो आपको ये सारी बातें जानना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आता है, अपने बीमारी को बताता है, तो आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा, तभी ना उनको कोई दवा देंगे। या फिर अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट नहीं भी हैं, आपको कोई दवा देता है तो आपको ये तो अनुभव हो जाएगा कि हाँ, ये जो दवा है इस बीमारी में खाया जाता है। तो देखिए, प्रैक्टिस करने वाले छात्रों के लिए ये सारी जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी की सारी चीज़ जानना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूँ, यह वीडियो बनाया जाता है केवल आपके जानकारी के लिए। कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना चाहिए। क्यों डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर आपके कंडीशन को देखते हैं, फिर उसी हिसाब से दवा को देते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया। यूरिनरी का मतलब होता है यूरिन, यूरिन, और ट्रैक का मतलब क्या होता है? रास्ता। मान लीजिए यूरिन के रास्ते में कोई भी इंफेक्शन हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन। अब यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन मान लीजिए किसी को हो जाता है तो उस केस में हम लोग कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करेंगे? तो अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी मरीज को यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन हो जाता है, यूरिन के रास्ते में कोई भी इंफेक्शन हो जाता है, तो उस केस में हम लोग नारफ्लोक्सासिन टेबलेट को देते हैं, जो कि 400 mg का ये हमारा होता है। थोड़ा सा इसको जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूं, ये हमारा होता है नारफ्लोक्सासिन टेबलेट, जो कि हमारा 400 mg का होता है। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यहां पर आईपी लिखा गया है, इनका मतलब क्या होता है? तो हर एक वीडियो में जिसमें मैंने आप लोगों को मेडिसिन के बारे में बताया हुआ है, हर वीडियो में आप लोगों को इनके बारे में समझाया है। थोड़ा सा जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग समझ लीजिए कि जो हमारा फार्माकोपिया होता है, इसको 60 वर्ड में पी से लिखता हूं। फार्माकोपिया हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है आईपी, दूसरा हमारा होता है बीपी, और तीसरा दोस्तों हमारा होता है यूएसपी। अगर मान लीजिए किसी दवाओं के ऊपर आईपी लिखा गया है तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। वहीं पर अगर किसी दवाओं के ऊपर बीपी लिखा गया है तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि वो दवा हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। और वहीं पर अगर किसी दवाओं के ऊपर यूएसपी लिखा गया है तो वो हमारा दवा कहाँ का होगा? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का दवा होगा। ये बातें आपको जानना चाहिए, वो सारी एग्जाम्पल आपको अभी इसी वीडियो में लगभग में दिख जाएंगी। ठीक, अभी तो आईपी वाला आप लोगों को दिख ही गया, यहाँ पर आईपी लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है? ये दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। तो अगर किसी भी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन हो जाता है तो उस केस में हम लोग नारफ्लोक्सासिन टेबलेट को देते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि नहीं? इसी के साथ चलिए अगले बीमारी के बारे में और अगले दवा के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला बीमारी, जैसे मान लीजिए किसी को नौजिया हो गया है, मान लीजिए सर बहुत ज़्यादा चकरा रहा है, चक्कर की तरह आ रहा है, और साथ में उल्टी भी हो रहा है उस पेशेंट को, तो उस केस में हम लोग किस टेबलेट को देते हैं? तो उस केसेस में दोस्तों हम लोग देते हैं स्टेमेटिल MD को। स्टेमेटिल MD के नाम से ये दवा ज़्यादा फेमस होता है। अगर कंपोजिशन की बात करें तो इनके कंपोजिशन देखें, यहाँ पर लिखे गए हैं क्या होता है इसका कंपोजिशन। इसका कंपोजिशन होता है प्रोक्लोरप्राजीन। क्या होता है? प्रोक्लोरप्राजीन मेल्टेड माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट। ये माउथ में जो हमारे अपने मुंह में लेंगे तुरंत ये डिजॉल्व हो जाएगा, बहुत तेज़ी से ये डिजॉल्व होता है, हमारे मुंह में ही डिजॉल्व हो जाएगा, जिससे उल्टी होने वाला रहता है तो वो सारी बैक्टीरियाओं को क्या करता है? किल कर देता है। ठीक, तो क्या होता है इस दवा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का सर बहुत ज़्यादा चकरा रहा है, उल्टी हो रहा है, तो उस केस में हम लोग इसका स्टेमेटिल MD का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये टेबलेट ज़्यादा फेमस है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं मार्केट में। ठीक, अगर मान लीजिए अगले बीमारी के बारे में बात करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस को 60 वर्ड में क्या बोलते हैं? TB। अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट को TB हो गया है तो उस केस में हम लोग कौन से टेबलेट को देते हैं? तो उस केसेस में हम लोग रिफम्पिन कैप्सूल को देते हैं। रिफम्पिन कैप्सूल होता है, इसको दिया जाता है। ठीक, रिफम्पिन। तो अगर हम लोग बात करें रिफम्पिन, जो यहाँ पर देखिए कैप्सूल है, ठीक, ये कैप्सूल जो होता है ये खाना खाने से पहले इस कैप्सूल को दिया जाता है। अब देखिए खाना खाने के बाद हम लोग इस टैबलेट को देते हैं। ठीक, खाना खाने के बाद हम लोग इस टैबलेट को देते हैं, और उसके बाद ये हमारा इसमें दो चीज़ का कंपोजिशन होता है, एक हमारा ये लास्ट वाला जो होता है ये बड़ा वाला टैबलेट होता है, और बड़ी वाली टैबलेट जो हमारा होता है इसमें दो चीज़ मिल करके बना होता है। क्या क्या होता है?
पाइराजिमाइड आइसोनाइड होता है और इथेम्ब्यूटाल होता है, ये दोनों चीज़ मिलकर के हमारा ये दवा मिलता है। ठीक, ये दोनों चीज़ मिलकर के ये हमारा टेबलेट दूसरा वाला बना होता है, जो कि आप लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे तो ये हमारा कैप्सूल के फॉर्म में होता है। ठीक, जिसे खाना खाने से पहले खाते हैं और ये दोनों टैबलेट को हम लोग खाना खाने के बाद खाते हैं। ठीक, और ये बड़ी वाली टैबलेट को भी उसके लास्ट में ये खाया जाता है, जो कि दो चीज़ के कंपोजिशन से मिल करके ये हमारा बना होता है। और ये दवा का इस्तेमाल हम लोग ट्यूबरकुलोसिस में, अगर किसी पेशेंट को मान लीजिए टीबी हो गया है तो उन्हें ये दवा दिया जाता है। इस दवा का क्या नाम है आप लोग यहां पर जूम करके इसको देख सकते हैं, इस दवा का क्या नाम है। ये हमारा पहला होता है रिफम्पिन कैप्सूल, जो कि हमारा ये। ठीक, उसके बाद क्या है पाइराजिमाइड आइसोनाइड, जो कि हमारा दो टेबलेट होता है। सॉरी, यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। पहला जो हमारा ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल का नाम है, क्या नाम है, रिफम्पिसिन। ठीक, जो कि लाल कलर का कैप्सूल होता है और इसे हम लोग खाना खाने के पहले खाते हैं। और दूसरा हमारा जो दो टेबलेट यहाँ पर बना हुआ है, इसका नाम होता है पाइराजिनामाइड, जो कि दो टैबलेट होता है। और तीसरा जो हमारा होता है ये लास्ट वाला, ये बहुत बड़ा टैबलेट होता है। ये दो चीज़ मिलकर के बना होता है, आइसोजोनाइड और इथेम्ब्यूटाल, ये दो चीज़ मिलकर के बना होता है। ठीक, और ये जो दवाइयाँ हमारी होती हैं ट्यूबरकुलोसिस, अगर किसी को टीबी हो जाता है तो लगभग में ये दवा हमारा 6 महीने तक चलता है, तब जाकर के पेशेंट नॉर्मल होता है। अगर हम लोग बात करें अगले दवा के बारे में, तो अगला जो है वो हम लोग बात करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड सेल। ठीक, तो रेड ब्लड सेल अगर मान लीजिए इसमें किसी को दिक्कत हो जाता है, एनीमिया जो होता है, एनीमिया में क्या होता है, ब्लड आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल जो यहाँ पर देखिए, नॉर्मल की अगर बात करें तो हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल होते हैं तो नॉर्मल केस में इस तरह होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के अंदर आरबीसी की कमी हो जाता है तो उनमें रेड ब्लड सेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे कितना है और यहाँ पर कितना है, दिख रहा है ना आप लोगों को अंतर। तो अगर मान लीजिए किसी पेशेंट के अंदर रेड ब्लड सेल की कमी हो जाता है तो उस केसेस में हम लोग ये सारे सिरप का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे सिरप आप लोग मार्केट में देखते होंगे, बहुत ज़्यादा बिकते हैं और यही सारे हम लोग सिरप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है ये हमारा ठीक हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है। अगर हम लोग बात करें किसी पेशेंट को किडनी स्टोन हो जाता है, किडनी स्टोन का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो दिख जाता है, किडनी में अगर मान लीजिए किसी को पथरी हो जाता है तो क्या करेंगे, उस केसेस में हम लोग क्या देते हैं, उस केसेस में हम लोग पहला तो सीरप होता है वो होता है अल्कासोल, अल्कासोल भी दिया जाता है और एक हमारा होता है नेरी। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं, अगर किसी पेशेंट को किडनी स्टोन हो गया है तो उस केसेस में अल्कासोल भी दिया जाता है और नेरी भी दिया जाता है। इससे हमारा किडनी स्टोन क्या होता है, ठीक हो जाता है। ठीक, अगर किसी को किडनी में पथरी हो गया है तो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, अगर मान लीजिए किसी का सर बहुत ज़्यादा चकरा रहा है, चक्कर आ रहा है, तो उस केसेस में हम लोग किन किन टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर भी देखा है, लेकिन ये हमारा होता है देख लीजिए बीटा स्टिनटाइल डाइहाइड्रोक्लोराइड। ठीक, ये होता है सस्टेन रिलीज टैबलेट। ठीक, जो कि क्या होता है, इस केसेस में हम लोग देखते हैं जैसे सर हमारा बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है तो उस केसेस में हम इसको देते हैं, सर बहुत ज़्यादा चक्कर का रहा है, घूम रहा है, तो उस केसेस में हम लोग देते हैं। और एक हमारा होता है प्रोमेथाजिन। ठीक, प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि ये हमारा भी देख लीजिए, इसको जूम करके देख लीजिए, यहाँ पर भी आईपी आया हुआ है, तो ये भी हमारा इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट होता है। तो ये सारी दवाएँ हमारा दिया जाता है वाइटको डाइजेंस में। ठीक, अगर मान लीजिए सर बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है तो उस केसेस में हम लोग देते हैं इसको, सर बहुत ज़्यादा घूम रहा है तो देते हैं इसको। चलिए अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट को पैर में बहुत ज़्यादा झनझनाहट हो रहा है, पैर हमारा सुन्न हो गया है, तो उस केसेस में हम लोग किस दवा का इस्तेमाल करते हैं, तो उस केसेस में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, उस केसेस में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो दवा दिया जाता है वो दिया जाता है प्रीगा ब्लिन कैप्सूल, जो कि हमारा इंडियन फार्माकोपिया का ये भी होता है। अगर हम लोग इसके ब्रांड नेम की बात करें, जिस नाम से ये ज़्यादा फेमस होता है वो होता है प्रेगलेन। ठीक, प्रेगलेन 75 mg का ये होता है और ये इस नाम से ज़्यादा फेमस होता है, जो कि पैर में अगर ज़्यादा झनझनाहट हो रहा है या फिर पैर हमारा सुन्न हो गया है तो उस केसेस में हम लोग इसको देते हैं। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट के पेट में कीड़े पड़ गए हैं बहुत ज़्यादा, तो उस केसेस में हम लोग एल्बेंडाजोल का इस्तेमाल करते हैं। एल्बेंडाजोल का टैबलेट भी आता है और सिरप भी आता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे लोग क्या होते हैं, टैबलेट को खाते नहीं हैं। ठीक, या फिर उनको पीस करके देना पड़ता है, इसीलिए बच्चों को क्या किया जाता है, इस सिरप के फॉर्म में रहता है, उन्हें पिला दिया जाता है। ठीक, और बड़े लोगों के लिए भी सिरप भी आता है, लेकिन उनके लिए टैबलेट भी आता है एल्बेंडाजोल का। ठीक, बच्चों के लिए कम एमजी का होता है, बड़े लोगों के लिए ज़्यादा एमजी का दिया जाता है, बस यही थोड़ा सा अंतर होता है इसमें। लेकिन अगर किसी पेशेंट को के अंदर पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उस केसेस में हम लोग एल्बेंडाजोल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको दिख जाता है कहीं पर एल्बेंडाजोल टैबलेट रखा गया है या फिर एल्बेंडाजोल सिरप रखा गया है, तो उसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, उसका इस्तेमाल अगर पेशेंट के अंदर किसी पेशेंट के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उस केसेस में हम लोग एल्बेंडाजोल का इस्तेमाल करते हैं। बस यही सारी बातें आपको जानना है। ठीक, आईपी लिखा गया है तो ये भी हमारा इंडियन फार्माकोपिया का सिरप है। ठीक, समझ गए आप लोग, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ चलिए अगले बीमारी और अगले दवाइयों के बारे में बात करते हैं।
चलिए, अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट के सर में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस केसेस में हम लोग डाइक्लोफिनेक सोडियम पैरासीटामॉल टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए कंपोजिशन है, इसमें क्या क्या चीज मिक्स है इसका बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें देखिए डाइक्लोफिनेक सोडियम भी है और पैरासीटामॉल टेबलेट है, ये दोनों का कंपोजिशन है जो कि दिया जाता है किसमें केसेस में, सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो उस केसेस में देते हैं। और एक हमारा और भी होता है, एक हमारा इसको और जूम कर देते हैं, ये भी दिया जाता है, क्या नाम होता है इसका, एसिक्लोफिनेक टेबलेट और पैरासीटामॉल, ये दोनों का कंपोजिशन होता है, इसको भी दिया जाता है। ठीक, इसी के साथ ये भी दिया जाता है आइबुप्रोफेन पैरासीटामॉल, ये दोनों का कंपोजिशन होता है आइबुप्रोफेन पैरासीटामॉल, ये भी हमारा हेडेक के केसेस में दिया जाता है। हेडेक का मतलब होता है सिर में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में इसको दिया जाता है। ठीक, और एक हमारा होता है, क्या होता है, निमेसुलाइड, ठीक, पैरासीटामॉल टेबलेट, ये भी दिया जाता है। ठीक, पैरासीटामॉल का कंपोजिशन हो गया। अब बहुत सारे लोग तो यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं पैरासीटामॉल केवल दिया जाता है फीवर के केसेस में, लेकिन फीवर के केसेस में ही नहीं दिया जाता है, दर्द को भी ये कम करता है, पेन किलर का भी ये काम करता है पैरासीटामॉल। आप लोग ये बात जानिए, पैरासीटामॉल जो होता है ये पेन किलर का भी काम करता है, तो इसीलिए पैरासीटामॉल को भी दिया जाता है। और किसी भी दर्द के दवाइयों में देखिए, जैसे कि हमारा देखिए डाइक्लोफिनेक सोडियम प्लस पैरासीटामॉल मिलकर के ये दवा हमारा बना होता है, जो कि हमारा हेडेक के केसेस में दिया जाता है। और यहीं पर देखिए आइबुप्रोफेन पैरासीटामॉल है, ये भी हमारा दिया जाता है हेडेक के केसेस में, सर में दर्द हो रहा है। एसिक्लोफिनेक हो गया, इसमें भी पैरासीटामॉल टेबलेट का कंपोजिशन मिक्स होता है, दिया जाता है। अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट ऐसे होते हैं, जैसे माइग्रेन की बात करें, कि हमारा आधा सर बहुत ज्यादा फट रहा है, तो केसेस में हम लोग इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं, किसका, नेप्रोक्सेन टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा आधा सर जो है ये बीच से बहुत ज्यादा तेजी से दर्द हो रहा है, जैसे लग रहा है फट जाएगा, तो उस केसेस में हम लोग इस दवा को प्रोवाइड करते हैं। इस दवा का क्या नाम है, इस दवा का नाम है नेप्रोक्सेन टेबलेट, जो कि हमारा 250 mg का होता है। तो समझ गए आप लोग, इसी के साथ अगले दवा के बारे में और अगले बीमारी के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, आंख हमारा मान लीजिए किसी भी वजह से आंखों में डस्ट पड़ जाता है या फिर कुछ हो जाता है, तो आंख हमारे बहुत ज्यादा रेड हो जाते हैं। नॉर्मल तो ऐसा होता है, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो जाता है तो हमारा आईज जो होता है वो रेड हो जाता है, तो उस केसेस में हम लोग सिप्रोफ्लैक्सिन हो गया, सिप्ला कंपनी का, ये बहुत ज़्यादा फेमस होता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा सिप्ला कंपनी का मार्केट में इसको प्रोवाइड किया जाता है। ये बहुत ही फेमस दवा है, जो कि हमारा सिप्रोफ्लैक्सिन आई ड्राफ होता है, ठीक, सिप्लॉक नाम से होता है, जो कि सिप्ला कंपनी का होता है, ज़्यादा फेमस होता है, ये दिया जाता है। और एक हमारा होता है मोक्सीफ्लॉक्सिन आई ड्राफ, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि हमारा इंडियन फार्माकोपिया का ये भी होता है। ठीक, तो ये जो आई ड्रॉप होते हैं दिए जाते हैं, अगर मान लीजिए किसी का आँख बहुत ज़्यादा रेड हो गया है, आँख में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस केसेस में हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। अगले बीमारी और अगले टैबलेट के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए किसी के कान में दर्द हो रहा है, कान बहुत ज़्यादा बह रहे हैं, तो उस केसेस में कौन कौन से दवाइयों को प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से दवाओं को दिया जाता है, तो उसमें दिया जाता है सिफिक्साइम टैबलेट को, जो कि इसका ब्रांड नेम होता है सिफिक्स, ये जो होता है ये 200 mg का होता है। ठीक, और एक और होता है जो कि ये भी दिया जाता है, इसका नाम क्या होता है, सेफोडॉक्सिम, ठीक, सेफोडॉक्सिन टैबलेट होता है, ये भी दिया जाता है, सेफोडॉक्स के नाम से ये ज़्यादा फेमस होता है, एस्पोडॉक्स के नाम से फेमस होता है, जो कि ये भी हमारा 200 mg का ही होता है। और आप लोग गौर की बात ये है कि ये दोनों की दोनों दवाइयाँ जो होती हैं, ये दोनों की दोनों दवाइयाँ हमारा इंडियन फार्माकोपिया का ही होता है। किसका होता है, दोनों की दोनों दवाइयाँ हमारा इंडियन फार्माकोपिया का ही होता है, और दोनों दवाइयाँ हमारा 200 mg का ही होता है। ठीक, तो ये दोनों दवाइयां दिया जाता है, अगर मान लीजिए ये भी दिया जाता है, अगर ये नहीं है तो ये लोग देते हैं। ठीक, किस केसेस में इसको देते हैं, कान में दर्द हो रहा है, कान बह रहा है, तो उस केसेस में इसको दिया जाता है। इसी के साथ अगली बीमारी और अगली दवा के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए किसी का नाक बहुत ज्यादा बह रहा है, सर्दी हो गया है, जुकाम हो गया है, नाक तेजी से बह रहा है, साथ में बुखार भी हो गया है, तो उस केसेस में सोलविन कोल्ड को दिया जाता है, सोलविन कोल्ड के नाम से ये ज़्यादा फेमस होता है। अब आप लोग गौर करके, सोलविन कोल्ड को दिया जाता है, सोलविन कोल्ड तो इसका ब्रांड नेम होता है और सोलविन कोल्ड के नाम से ये फेमस होता है, लेकिन बात यहाँ पर आता है कि सोलविन कोल्ड में कंपोजिशन क्या क्या होता है कि ये इतनी बीमारी को रोकता है, कि मतलब सर्दी हो गया है, जुकाम हो गया है, नाक बहुत तेजी से बह रहा है, साथ में बुखार हो गया है, तो केवल सोलविन कोल्ड दवा खाने से ये सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कंपोजिशन आपको देखना है। कंपोजिशन में देखिए पैरासीटामॉल इसमें मिला हुआ है 500 mg, उसके बाद क्या है, फेनिलप्रिमिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg का होता है, उसके बाद क्लोरोफेनामाइन मेल्टेट भी 2 mg का टेबलेट है, तो ये सारी चीज मिलकर के ये हमारा दवा बना हुआ है सोलविन कोल्ड, और इसलिए ये सारी बीमारियों को ये क्या करता है, रोकता है। ठीक, समझ गए आप लोग। इसी के साथ अगले बीमारी और अगले दवा के बारे में बात करते हैं।
ये हमारा है। अगर मान लीजिए किसी को मुंह में बहुत ज़्यादा छाले निकल गए हैं तो उस केसेस में हम लोग डोलो जेल दे देते हैं, डोलो जेल है तो उसको दे देते हैं। अगर कोई लोग डोलो जेल लगाते हैं उससे भी नहीं ठीक होता है तो उस केसेस में ये बीकासोल कैप्सूल को भी दिया जाता है। बीकासोल कैप्सूल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे लोगों का पेट नहीं साफ होता है, अच्छे से पेट नहीं साफ होता है, पेट में कोई दिक्कत रहता है या फिर और भी कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, उस केसेस में हमारे माउथ में बहुत ज़्यादा छाले निकल जाते हैं तो उस केसेस में वहाँ पर रुई के द्वारा बोलते हैं, रुई से आप लोग लगा लीजिएगा क्या होता है, डोलो जेल, डोलो जेल को पर धीरे से लगा लीजिएगा तो वो छाले ठीक हो जाते हैं। और डोलो जेल से नहीं ठीक होता है तो बीकासोल कैप्सूल को भी प्रोवाइड करते हैं जिससे वो हमारा क्या होता है, ठीक हो जाता है। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर छाले हो जाते हैं मुंह में तो उस केसेस में डोलो जेल को भी दिया जाता है, अगर कैप्सूल प्रोवाइड करते हैं तो बीकासोल कैप्सूल को भी दिया जाता है। अगले बीमारी और अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा दांतों में दर्द हो रहा है और साथ में दांतों में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा सूजन भी हो रहा है, तो इसके लिए एक रामबाण दवा बताता हूँ, आप लोग कहीं पर लिख लीजिए और इसका इस्तेमाल करिएगा तो देखिएगा असरदार ये दवा है, ये बहुत ही अच्छा दवा है, कीटोरोल ड्यूटी। आप लोग कहीं पर अलग लिख लीजिए, अगर किसी के दांत में दर्द हो रहा है, मसूड़े में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा और वहाँ पर सूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्या करना है, कीटोरोल डीटी दवा को ले लेना है। अगर मान लीजिए इसको आप लोग को बता देता हूँ किस तरीके से खाना है, ये भी बता देता हूँ, एक छोटा सा गिलास लीजिएगा आप लोग, छोटे से गिलास में आप लोग अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो ये दो टैबलेट को आप लोग इसको मुँह में डाल लीजिए और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे तो ये तुरंत घुल जाएगा उस पानी में। पानी आपको लेना है, आधा कप पानी लेना है और जहाँ पर दर्द हो रहा है वहीं पर इस पानी को थोड़ी देर तक रखे रहना है, जहाँ पर दर्द हो रहा है वहाँ पर इस पानी को थोड़ी देर तक रखे रहना है, फिर धीरे धीरे करके पीना है, फिर पानी को लेना है, फिर थोड़े थोड़े करके पीना है, मतलब एक से डेढ़ कप पानी लेना है, उसमें दो कैप्सूल दो टैबलेट को डालना है। पहली बार जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उस केसेस में सेवर पेन, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो पहली बार इस्तेमाल करेंगे तो दो टैबलेट ले लेना, उसको पानी में घुला लेना, उसके बाद जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पर इसको धीरे धीरे करके पानी को रखना और धीरे धीरे करके पीना, जिससे वहाँ के जो कीटाणु रहते हैं वो मर जाएंगे। थोड़ी देर तक पानी को वहीं पर रखना जहाँ पे दर्द ज़्यादा हो रहा है, ठीक उस तरीके से पीना, उसके बाद असर देखना आप लोग कितना जल्दी वहाँ का दर्द ठीक हो जाएगा, 5 से 10 मिनट के अंदर वहाँ का दर्द का असर कम होने लगेगा। उसके बाद जब आप लोग करना है दूसरी बार जब करेंगे तो आप लोग एक ही टैबलेट का इस्तेमाल करना, लेकिन पहली बार अगर कर रहे हैं तो दो टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। ये जो हमारा कीटोरोल डीटी होता है ये हमारा 10 mg का होता है, ठीक। तो आप लोग इसको वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा बहुत ही रामबाण दवा है कीटोरोल डीटी। चलिए अगले दवा और अगले बीमारी के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए किसी के गले में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि टॉन्सिल हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, फेरनिक्स हो जाता है, मतलब जैसे कि हम लोग कुछ खाते हैं तो बहुत तेज़ी से यहाँ पर गढ़ते हुए जाता है, ठीक, पानी पीते हैं तो भी गढ़ते हुए जाता है, ठीक। तो उस केसेस में हम लोग एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इनके बारे में आई होप मेडिकल के स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो उन्हें 90% लोगों को पता होगा। और दूसरा हमारा होता है जीरोडॉल, ये दोनों दिया जाता है। अगर मान लीजिए एजिथ्रोमाइसिन नहीं है किसी के पास तो ये लोग दे देते हैं, ठीक। तो एजिथ्रोमाइसिन को प्रोवाइड किया जाता है जो कि 500 mg का ये हमारा होता है, ये बहुत ही कारगर दवा होता है। जैसे गले में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी इन्फेक्शन, अगर टॉन्सिल हो गया, हम लोग कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं, बहुत तेज़ी से रगड़ते हुए जा रहे हैं, तो उस केसेस में जान लेंगे आप लोग को पता चली जाएगा कि गले में इन्फेक्शन हो गया, तो उस केसेस में हम लोग एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। अगली दवा के बारे में दोस्तों बात करते हैं। अगला दवा हमारा है पेंटाप्रोजोल। पेंटाप्रोजोल का इस्तेमाल करते हैं अगर पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है तो उस केसेस में हम लोग पेंटाप्रोजोल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पेंटॉप के नाम से ज़्यादा ये फेमस होता है, पेंटाप्रोजोल टैबलेट, ठीक। और एक हमारा होता है ये पाउडर के फॉर्म में होता है डाइजिन, डाइजेशन सही से नहीं होता है, पेट में ज़्यादा जलन होता है तो उस केसेस में हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। तो पेट में अगर ज़्यादा जलन होता है तो उस केसेस में पेंटाप्रोजोल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसी दवा को प्रोवाइड किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी के पेट में दर्द हो रहा है, मतलब लोअर बैक पेन हो रहा है, पेट में तेजी से दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में हम लोग किस दवा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये होता है डाइक्लोफिनेक जेल बीपी। तो यहां पर आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूं, ये हमारा होता है क्या होता है, इमूल जेल, इस नाम से ये ज्यादा फेमस होता है। ये हमारा किस फॉर्म में होता है, ये हमारा होता है लोशन के फॉर्म में, ये हमारा क्रीम के फॉर्म में होता है। लेकिन इससे पहले आपको टैबलेट बताते हैं, अगर मान लीजिए पेट में दर्द ज्यादा हो रहा है तो उस केस में हम लोग डोलोकाइन डीएमआर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, यहां पर लिख देता हूं, किसी अलग कलर में लिख देता हूं, जो लोग लिखना चाहते हैं दिख नहीं रहा है अगर आप लोगों को, डोलो काइंड, ठीक, डोलो काइंड यमार, ठीक, डोलो काइंड यमार होता है, इस दवा को दिया जाता है अगर पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो डोलो काइंड यमार को देते हैं। डोलो काइंड यमार जो होता है इसकी कंपोजिशन की बात करें तो क्या क्या होता है, एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल इसमें होता है और क्या होता है, क्लोर जो ऑक्साजोन टैबलेट, ये दो चीज़ का कंपोजिशन मिलकर के बना होता है। तो आप लोग जान लीजिए डोलोकाइंड के नाम से ये ज़्यादा फेमस होता है, कंपोजिशन आप लोग देख लेना वहाँ पे लिखा रहता है कंपोजिशन, लेकिन डोलोकाइंड के नाम से ये ज़्यादा फेमस होता है डोलोकाइंड एमआर। डोलोकाइंड एमआर दिया जाता है पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो दिया जाता है। और डाइक्लोफिनेक
डाइक्लोफिनेक जेल जो होता है ये हमारा क्रीम की तरह होता है, इसको जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पर इसको लगाया जाता है, जिससे बहुत तेजी से असर पता चलता है, ठीक, दर्द कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है बीपी, आ गया ये एग्जाम्पल, बीपी लिखा गया है तो ब्लड प्रेशर में नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, आप लोग को बताए हैं। आईपी लिखा गया है तो वो इंडियन फार्माकोपिया का है, पहले ही बता दिया। और बीपी आ गया है तो ये हमारा जो जेल है ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, तो यहां पर आपको समझ जाना है। तो अगर पीठ में ज्यादा दर्द हो रहा है तो हम लोग इस जेल का भी इस्तेमाल करते हैं और डोलो का एनडीएमआर टेबलेट का भी इस्तेमाल करते हैं, समझ गए आप लोग। इसी के साथ अगले बीमारी और अगले दवा के बारे में बात करते हैं। एक हम लोग बात करते हैं किडनी स्टोन के बारे में, बात की अगर किसी को किडनी स्टोन हो जाता है तो उसमें कौन कौन से दवा को खाते हैं वो तो हम लोग बात कर लिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का किडनी स्टोन हो गया है और किडनी स्टोन हुआ है तो बहुत तेजी से पेन हो रहा है, तो उस केसेस में उस दर्द को कम करने के लिए हम लोग इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं? डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये नहीं है तो ट्रामाडोल हाइड्रोक्स क्लोराइड इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये दो इंजेक्शन होता है जो कि हमारा किडनी स्टोन के दर्द में इसको लगाया जाता है। अगले बीमारी के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब पेट में कब्ज बन जाता है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, तो उस केसेस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वो हम लोग खाते हैं क्रीमाफिन हो गया, इसका इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारा पेट जो होता है अच्छे से साफ करता है। इससे नहीं ठीक होता है तो हम लोग एक टैबलेट भी देते हैं जो कि टैबलेट का नाम होता है बिसोकोडेल। क्या होता है? बिसोकोडेल। बिसोकोडेल को भी दिया जाता है। तो ये दोनों दवा जो हमारा होता है कॉन्स्टिपेशन के केसेस में दिया जाता है। उसी के साथ अगर मान लीजिए किसी को डायरिया हो गया, पेट खराब हो गया है, दिन में 3 से 4 बार जा रहे हैं लैटिंग करने, तो उस केसेस में हम लोग कौन कौन से दवाओं को देते हैं? उस केसेस में दिया जाता है लोपोक्स। लोपोक्स के नाम से ज्यादा फेमस होता है, इसको दिया जाता है। और ये नहीं है तो ओप्लॉक्सोसिन और इंडाजोल को भी दिया जाता है, ठीक। तो ये दोनों दवा प्रोवाइड किया जाता है, या फिर ये दिया जाएगा या फिर ये दिया जाएगा। दोनों के दोनों दवाओं दिया जाता है हमारा किस केसेस में? ये दोनों दवा दिया जाता है हमारा डायरिया के केसेस में, ठीक। एजिथ्रोमाइसिन जान रहे ना, एजिथ्रो नहीं, ओमेप्राजोल हो गया, ठीक, ओमेप्राजोल देखिए यहां पर लिखा गया, और इंडाजोल, ठीक, ओफ्लॉक्सेसिन और इंडाजोल टैबलेट जो हमारा होता है ये हमारे डायरिया के केसेस में दिया जाता है। समझ गए आप लोग, इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए किसी को एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गया है, एलर्जी हो गया है, तो उस केसेस में एलर्जी को ठीक करने के लिए लियोसिट्रिजिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। जो लियोसिट्रिजिन टैबलेट भी आता है हमारा, लियोसिट्रिजिन का इंजेक्शन भी हमारा आता है, ठीक, दोनों चीज़ आते हैं, इंजेक्शन भी आता है। अगर किसी को ज़्यादा एलर्जी हो गया है तो इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, और लियोसिट्रिजिन का टैबलेट भी आता है एलर्जी को दूर करने के लिए। बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है तो उस केसेस में हम लोग, खांसी आता है, एलर्जी हो जाता है तो ही आता है, तो उस केसेस में हम लोग लियोसिट्रिजिन को प्रोवाइड करते हैं। समझ गए आप लोग। अगला हम लोग बात करते हैं एब्डोमिनल पेन। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो उस केसेस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो उस केसेस में डोट्रावेरिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा जूम कर देता हूं तब आप लोगों को दिखेगा। देखिए अगर एब्डोमिनल पेन ज़्यादा हो रहा है तो उस केसेस में डोट्रावेरिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट को दिया जाता है जो कि हमारा 80 mg का होता है। ये नहीं है तो डाइसाइक्लोमाइन जीसीएल टेबलेट को दिया जाता है जो कि हमारा 20 mg का होता है। ये दोनों दवा प्रोवाइड किया जाता है एब्डोमिनल पेन के केसेस में। अगर मान लीजिए किसी का जी मचला रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टी आ रहा है, तो उस केसेस में कौन से दवा को देते हैं? तो इस केसेस में एमेसेट को दिया जाता है। एमेसेट नहीं है तो हम लोग डोमपेरिडियम टेबलेट को देते हैं। ये दोनों के दोनों दवा दिए जाते हैं, जी मचला रहा है या फिर उल्टी आ रहा है, तो उस केसेस में इन दवाओं को प्रोवाइड किया जाता है। इसी के साथ हम लोग अगले दवा के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी का डाइजेशन सही से नहीं हो रहा, खाना सही से नहीं पच रहा है, तो उस केसेस में कौन से दवा को प्रोवाइड किया जाता है? तो उस केसेस में एरिस्टोजाइम को दिया जाता है। एरिस्टोजाइम जो होता है हमारा 200 ml का होता है जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है। इसको दिया जाता है जिसका डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, प्रॉपर रूप से नहीं हो रहा है, खाना सही से नहीं पच रहा है, तो उस केसेस में हम लोग उनको ये सिरप को देते हैं जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है, दिया जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी बीमारी और बहुत सारी उनकी दवाइयों के बारे में बात की है। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।